हेलो फ्रेंड्स, फ्रेंड्स आज हम ये डिज़ाइनर हैंडबैग स्टिच करेंगे। इसमें देखिए फ्रंट साइड में वन जिपर पॉकेट है और ऐसे ही बैक साइड में भी जिपर पॉकेट है। और इस साइड से हम फ्लैप को ओपन करेंगे और सेंटर वाली पॉकेट को भी ओपन कर लेंगे। और इसमें देखिए अंदर की साइड में काफ़ी स्पेस है और वन इनर पॉकेट इसमें भी अंदर की साइड में है। इसमें अपने सामान को सेट करते हुए जिप्सीज को यहाँ से लॉक कर दीजिए। और ऐसे ही टू पॉकेट्स हमारी साइड भी है, वन पॉकेट ये है, देखिए काफी बड़ी पॉकेट है। और ऐसी सेकंड पॉकेट इस साइड है, ये देखिए। और इसमें देखिए वन इनर पॉकेट भी अंदर की साइड में, इसको हम ओपन कर लेंगे। मनी वगैरह कुछ भी आप सेट करते हुए रख सकती हैं। जिप से लॉक करेंगे और इस साइड भी अपने सामान को सेट करते हुए जिप से लॉक कर देंगे। और ये जो पॉकेट्स हैं इसको हम फ्लैप से ऐसे यहाँ से सेट कर लेंगे। ये बैग देखिए साइड से ऐसा है, बॉटम की साइड से और इस साइड से। इस साइड देखिए वाटर बॉटल की पॉकेट है, इसको हम ओपन कर लेंगे और इसमें आप अपनी 1 लीटर की वाटर बॉटल को सेट कर सकती हैं। ये हम बॉटल लेंगे और इसमें अंदर की साइड में देखिए ऐसे करते हुए जिप से इसको लॉक कर दीजिए। और ये जो हैंडल्स हैं, इन दोनों हैंडल से आप इसको शोल्डर से कैरी कर सकती हैं। और ये जो लॉन्ग वाला हैंडल है इससे आप एडजस्ट करते हुए क्रॉस करके भी कैरी कर सकती हैं। बहुत ही यूज़फुल बैग है और बहुत ही खूबसूरत स्टिच हुआ है। इसकी सारी जो पॉकेट्स हैं, सारी पॉकेट्स बहुत ही कम्फर्टेबल हैं, अपने ज़्यादा से ज़्यादा सामान को सेट करते हुए रख सकती हैं। देखिए और भी बैग्स हमने रेडी किए हैं, ये सेम उसी मेजरमेंट से है। ये देखिए ये भी हमने स्टिच किया है। फ्रेंड्स ये बैग बहुत ही यूजफुल है, आप इसको जरूर स्टिच करिएगा। फ्रेंड्स अगर आपको ये हमारा डिज़ाइन है हैंड बैग या शोल्डर बैग पसंद आया हो तो फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तो चलिए फ्रेंड्स आज हम ये डिज़ाइन है हैंड बैग स्टिच करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वर्क। सबसे पहले हम ये 9x15 के प्लेन पीसेस लेंगे। 2 हमें देखिए मेन फैब्रिक के प्लेन पीसेस लेने हैं और 2 हमें लाइनिंग फैब्रिक के प्लेन पीसेस लेने हैं। और 15 इंच की जिप को लेते हुए देखिए लाइनिंग फैब्रिक को जिप के ऊपर रखते हुए स्टिच करके अटैच करेंगे दोनों पार्ट्स में। जिप को हमने देखिए अटैच कर दिया है। ये जो लाइनिंग फैब्रिक है इसको हम बैक साइड में करते हुए इसमें हम दाब सिलाई देते हुए स्टिच कर लेंगे। और ऐसे इसमें भी हम स्टिच करेंगे, देखिए हमने स्टिच कर लिया है। और अब हम जिप में रनर डाल लेंगे। और अब देखिए फ्रेंड्स हम ये 5x10 का क्विल्टेड पीस प्लेन पीस लेंगे और इसको हम 5 की साइड में देखिए फोल्ड करके सेंटर का मार्क करेंगे और दोनों कॉर्नर्स में हल्का सा शेप में इसको कट कर लेंगे। देखिए ऐसे हमें शेप में कट करना है। और अब देखिए फ्रेंड्स प्लेन पीस लेंगे, प्लेन पीस को भी हम 5 की साइड में फोल्ड करेंगे, उसमें हम सेंटर का मार्क करेंगे और सेंटर वाले पॉइंट से हम 1 इंच पे डाउन करेंगे। और यहाँ पर हम मैग्नेट लेंगे, मैग्नेट के एक पार्ट को यहाँ पर हम होल करते हुए सेट करके अटैच करेंगे। तो होल करेंगे और मैग्नेट को इसमें सेट कर लेंगे। मैग्नेट को हमने देखिए इसमें सेट कर लिया है। और अब ये हम फोम या रबर शीट जो भी आपके पास हो उसको लेते हुए पेज को लगाते हुए इसको यहाँ से ऐसे लॉक कर दिए, देखिए मैग्नेट इसमें अटैच हो गया है। और अब देखिए मैग्नेट वाले पार्ट को शेप वाली साइड में हम सेंटर वाले पॉइंट से मिलाते हुए सेट करेंगे और पिन अप कर लेंगे। और अब देखिए इसको हम यहाँ से यहाँ तक स्टिच करके अटैच करेंगे। दोनों पार्ट्स को हमने देखिए स्टिच कर लिया है। पिन को हम ओपन करेंगे और एक्स्ट्रा प्लेन पीस को हम कट कर लेंगे। और ये जो शेप दिया है इस साइड हल्का हल्का कट लगाकर इसको हम पलट कर राइट साइड कर लेंगे। उल्टेड पीस को हमने देखिए पलट कर राइट साइड कर लिया है। और अब देखिए हम पिन अप करेंगे और इसको हम देखिए यहाँ से यहाँ तक स्टिच करके दाब सिलाई दे देंगे और ओपन पार्ट को स्टिच करके लॉक कर देंगे। देखिए इसको हमने स्टिच कर लिया है नीटली, देखिए फ्लैप रेडी हो गया है। और इस साइड से हम इसमें सेंटर का मार्क करेंगे फोल्ड करते हुए।
इस पे हमने देखिए सेंटर का मार्क कर लिया है और अब ये हम 12x15 के क्विल्टेड पीसेस लेंगे और ये हम 28 इंच के टू हैंडल्स लेंगे और ये जो क्विल्टेड पीसेस में 12 की साइड में यहाँ पर देखिए 3.5 इंच पे डाउन करते हुए मार्क कर लेंगे। इस साइड हमने देखिए मार्क कर लिया है और इस साइड से हम यहाँ पर 7.5 इंच पे सेंटर का मार्क करेंगे और सेंटर वाले पॉइंट से 3 इंच इस साइड से और ऐसे ही साइड से 3 इंच पे मार्क कर लेंगे। और अब ये हम हैंडल लेंगे और हैंडल को मार्क वाले पॉइंट पे सेंटर में रखते हुए स्क्वायर शेप में और क्रॉस में स्टिच करके इस साइड से और ऐसे इस साइड से स्टिच करके अटैच करेंगे। 2 इंच पे मार्क करना है हैंडल पे, 2 इंच पे हमें स्टिच करके अटैच करना है। हैंडल्स को देखिए अटैच कर दिया दोनों पार्ट्स में, ये देखिए ऐसे इन्हें सेट करते हुए अटैच करना है। और अब ये हम फ्लैप लेंगे, फ्लैप में जिस साइड में सेंटर का मार्क किया है उसको हम देखिए ऐसे रखेंगे, मैग्नेट वाला पार्ट अंदर की साइड में होगा और सेंटर वाले पॉइंट से मिलाते हुए सेट करेंगे और इस साइड हम 1 इंच पे डाउन करते हुए मार्क करेंगे और स्क्वायर शेप में स्टिच करके फ्लैप को इसमें अटैच कर देंगे। फ्लैप को हमने देखिए अटैच कर दिया है, देखिए ऐसे हमें सेट करते हुए अटैच करना है। और अब ये जो पॉकेट्स हमने रेडी की हैं जिप वाला पार्ट है, इसको हम इसके ऊपर मार्क वाले पॉइंट पे स्टिच करके अटैच करेंगे। जिप को हम 3.5 वाले मार्क पे सेट करते हुए 3.5 इंच में जो मार्क किया था उस मार्क वाले पॉइंट पे सेट करते हुए अटैच करेंगे। इस साइड देखिए ऐसे हमें सीधे स्टिच करके अटैच करना है। दोनों पार्ट्स पे हमने देखिए जिप को अटैच कर दिया है और अब हम इसको टर्न करते हुए देखिए बॉटम से सेट करेंगे और इसमें हम पिनअप कर लेंगे और ऐसे ही हम दूसरे प्लेन पीस को देखिए ऐसे बॉटम से सेट करते हुए पिनअप कर लेंगे। पिन से हमने देखिए सेट कर दिया है और अब ये हम 1.5 इंच की मेन फैब्रिक की पाइपिंग लेंगे और पाइपिंग को इस साइड हम सीधे स्टिच करके अटैच करेंगे और ऐसे ही इस साइड भी हम सीधे स्टिच करके पाइपिंग को अटैच करेंगे। पाइपिंग को हमने देखिए स्टिच कर लिया है और अब देखिए इसको हम बैक साइड में करेंगे, बैक साइड में सेट करते हुए यहाँ पर हम दाब सिलाई देते हुए दोनों पार्ट्स में स्टिच कर लेंगे। दाब सिलाई देते हुए दोनों पार्ट्स में हमने देखिए स्टिच कर लिया है, ये देखिए पाइपिंग ऐसे सेट हो जाएगी। और अब देखिए ये हम 3x15 के क्विल्टेड पीसेस लेंगे और ये हम पाइपिंग लेंगे, पाइपिंग को हम इसमें एक साइड से स्टिच करके अटैच करेंगे दोनों पार्ट्स में। दोनों पार्ट्स में देखिए अटैच कर दिया है और इसको भी हम देखिए बैक साइड में करते हुए इसमें हम दाब सिलाई देते हुए स्टिच कर लेंगे। दाब सिलाई देते हुए दोनों पार्ट्स में स्टिच कर लिया है और अब हम इसको फोल्ड करके इसमें हम इस साइड से देखिए सेंटर का मार्क कर लेंगे और ये जो पार्ट है क्विल्टेड पीस को हम इसके ऊपर देखिए इस साइड रखेंगे, जिस साइड हमने दोनों पार्ट्स में देखिए दाब सिलाई दी है उस साइड हम दोनों पार्ट्स को सेट करते हुए पिनअप कर लेंगे और इसको हम देखिए यहाँ से पूरा ऐसे स्टिच करके अटैच कर देंगे। प्लेन पीस भी स्टिच हो जाएगा और क्विल्टेड पीस भी इसमें अटैच हो जाएगा। क्विल्टेड पीस और प्लेन पीस को हमने देखिए अटैच कर दिया है, इसको पलट कर हम देखिए राइट साइड में करेंगे, देखिए ये पार्ट ऐसे सेट हो जाएगा, ये देखिए। और इस साइड देखिए हमारी 1 जिपर पॉकेट रेडी हो गई, इसमें स्टिच हो गई है। और अब देखिए इसको हम फोल्ड करके इस साइड यहाँ पर सेंटर का मार्क करेंगे और ऐसे इसमें भी हम सेंटर का मार्क कर लेंगे। दोनों पार्ट्स भाई रेडी हो गए हैं और अब देखिए हम 7x30 का क्विल्टेड पीस लेंगे, 10x16 का प्लेन पीस और 10.5 इंच की जिप लेंगे और इस साइड हम 30 के साइड में क्विल्टेड पीस में 7.5 इंच पे डाउन करते हुए यहाँ पर देखिए मार्क कर लेंगे और इस साइड से हम 3.5 इंच पे मार्क करेंगे और इस साइड से 1.5 इंच पे मार्क करके दोनों साइड से मार्क करके एक बॉक्स बना लेंगे। और अब देखिए ये जो दोनों कॉर्नर से कॉर्नर्स पे हल्का सा शेप में मार्क करेंगे साइड से और ऐसे ही साइड में देखिए मार्क कर लेंगे और अब हम मार्क वाली लाइन पे स्टिच करेंगे, इसके बाद क्विल्टेड पीस को हम कट करेंगे। तो पहले हम स्टिच कर लेंगे, मार्क वाली लाइन पे हमने देखिए स्टिच कर लिया क्विल्टेड पीस को और अब देखिए इसको हम कट करेंगे, साइड से कट करेंगे पहले और इस साइड जो हमने शेप में मार्क करके स्टिच किया है इसको भी हम कट करेंगे।
और अब देखिए इसको हम फोल्ड करके इस साइड यहाँ पर सेंटर का मार्क करेंगे और ऐसे ही दूसरे पार्ट को भी हम फोल्ड करते हुए सेंटर का मार्क कर लेंगे। और अब ये हम प्लेन पीसेस लेंगे, दोनों प्लेन पीसेस में हम टेंट की साइड में फोल्ड करके सेंटर का मार्क कर लेंगे और सिप में भी हम सेंटर का मार्क करेंगे। और अब देखिए ये जो क्विल्टेड पीस है, क्विल्टेड पीस पे हम सेंटर वाले पॉइंट से मिलाते हुए जिप को रखेंगे और प्लेन पीस को भी हम सेंटर वाले पॉइंट से मिलाते हुए जिप के ऊपर रखेंगे और इसको हम इस साइड से और ऐसे इस साइड से दोनों साइडों से स्टिच करके अटैच करेंगे। जिप और प्लेन पीस को हमने देखिए अटैच कर दिया इसमें और अब देखिए प्लेन पीस को हम राइट साइड में ऐसे टर्न करेंगे और इस साइड हम स्टिच लाइन पे प्रेस करते हुए दाब सिलाई देते हुए स्टिच कर लेंगे। दाब सिलाई देते हुए हमने देखिए स्टिच कर लिया है। बैक साइड में प्लेन पीस देखिए ऐसे सेट हो गया है और अब हम जिप की दूसरी साइड में क्विल्टेड पीस को देखिए सेंटर वाले पॉइंट से मिलाते हुए सेट करेंगे और प्लेन पीस को जिप के ऊपर सेंटर वाले पॉइंट से मिलाते हुए पिनअप करेंगे और इसको भी हम देखिए इस साइड से और इस साइड से दोनों साइडों से स्टिच करके अटैच करेंगे। इस साइड पे मैं देखिए अटैच कर दिया है प्लेन पीस को, देखिए ऐसे सेट करते हुए अटैच करना है और अब देखिए प्लेन पीस को अपर की साइड में करते हुए स्टिच लाइन को सेट करते हुए यहाँ पर हम दाब सिलाई देते हुए स्टिच करेंगे। ये देखिए अपर की साइड में ऐसे आप धीरे धीरे स्टिच करके दाब सिलाई दीजिएगा। तो ये देखिए हमने दाब सिलाई दे दी है, ये देखिए दोनों साइडों से प्लेन पीस अच्छे से सेट हो गया है। और अब देखिए जिप को हम ओपन करेंगे और इसमें हम रनर डालेंगे और ये जो क्विल्टेड पीस है, क्विल्टेड पीस में इस साइड से हम यहाँ पर 7 इंच पे डाउन करते हुए मार्क करेंगे और ऐसे इस साइड भी 7 इंच पे डाउन करते हुए मार्क कर लेंगे। और अब हम मार्क वाली लाइन पे जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसको हम कट कर लेंगे दोनों साइडों से। एक्स्ट्रा पार्ट्स को हमने कट कर लिया है और अब हम प्लेन पीस की साइड में आएंगे और प्लेन पीस को देखिए इस साइड से थोड़ा सा फोल्ड करेंगे और ऐसे ही इस साइड भी थोड़ा सा फोल्ड करते हुए हमें स्टिच करना है। तो दोनों साइडों से फोल्ड किया हमने, इसको भी हम दोनों साइडों से फोल्ड करते हुए देखिए ऐसे फोल्ड करेंगे और कॉर्नर से कॉर्नर को मिलाते हुए देखिए फोल्ड करते हुए हमें सेट करना है प्लेन पीस को और इसको ऐसे सेट करते हुए हम देखिए यहाँ से यहाँ तक और ऐसे ही यहाँ से यहाँ तक स्टिच करके अटैच करेंगे। ये देखिए फोल्ड करते हुए हमें स्टिच करना है प्लेन पीसेस को और जिप की साइड में जब हम आएंगे तो 1/2 इंच का गैप छोड़ते हुए हम प्लेन पीस को अटैच करेंगे। ये देखिए प्लेन पीस को हमने देखिए फोल्ड करते हुए स्टिच कर लिया है और इस साइड से और दूसरी साइड से हमें 1/2 इंच का देखिए गैप छोड़ते हुए प्लेन पीस को स्टिच करना है। और अब ये जो कॉर्नर्स है, कॉर्नर्स पे हम यहाँ पर 1.5 इंच पे डाउन करते हुए मार्क करेंगे और ऐसे इस साइड भी मार्क कर लेंगे और प्लेन पीस को हम ओपन करते हुए कॉर्नर से हम मार्क वाली लाइन पे स्टिच करके इस साइड से लॉक करेंगे प्लेन पीस को। प्लेन पीस को हमने देखिए स्टिच कर लिया है और अब जो ये एक्स्ट्रा पार्ट है इसको हम कट कर लेंगे। और अब देखिए हम जिप को ओपन करेंगे और ये ध्यान रखना है कि जिप पूरी हमारी बाहर की साइड में इसका रनर नहीं आना चाहिए, पूरी ओपन नहीं होनी चाहिए। और प्लेन पीस को देखिए ऐसे हम बाहर की साइड में करेंगे और ये जो हमने स्टिच किया था कॉर्नर को, कॉर्नर की स्टिच लाइन को हम ऐसे देखिए ओपन कर लेंगे और प्रेस करते हुए इस साइड से और ऐसी दूसरी साइड से हम स्टिच कर लेंगे तो जो स्टिच लाइन है वो अंदर की साइड में कवर हो जाएगी। दोनों कॉर्नर्स पे हमने देखिए स्टिच कर लिया है और अब देखिए प्लेन पीस को इस साइड से हम बाहर के साइड में कर लेंगे। स्टिच लाइन अंदर की साइड में सेट हो गई है और
कि हमारी वाटर बॉटल की पॉकेट रेडी हो गई है। और अब देखिए फ्रेंड्स, ये हम क्विल्टेड पीस लेंगे जिसमें से हमने इस पार्ट को कट किया था। तो इसको हम देखिए ऐसे रखेंगे, साइड से साइड वाले पार्ट को हम देखिए क्विल्टेड पीस में अटैच करेंगे। दोनों पार्ट्स को देखिए सेट करते हुए पहले हम पिनअप कर लेंगे। क्विल्टेड पीस का पार्ट थोड़ा सा बड़ा हुआ है, जब हमने जिप लगाई है थोड़ा सा पार्ट बढ़ गया है, तो इसको जिप वाले पार्ट को अंदर के साइड में फोल्ड करते हुए पाइपिंग के साथ में हमें अटैच करना है। तो दोनों पार्ट्स को हम स्टिच कर लेंगे। ये देखिए, ये हमने स्टिच कर लिया है और अब एक्स्ट्रा जिप को हम कट करेंगे और क्विल्टेड पीस को हम ओपन करेंगे और ये जो पाइपिंग है, पाइपिंग को डबल फोल्ड करते हुए स्टिच कर लेंगे। पाइपिंग को हमने देखिए स्टिच कर लिया है। ये देखिए, ये हमारा नीटली रेडी हो गया है। और अब देखिए फ्रेंड्स, इस साइड से हम यहाँ पर क्विल्टेड पीस का मेज़र करेंगे। ये हमें 28.5 इंच पे रेडी करना है, तो इस साइड से मार्क करेंगे और जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हम स्टिच करके कट कर लेंगे। और इस साइड से हम दोनों साइडों से इसमें हम सेंटर का मार्क कर लेंगे। और अब देखिए फ्रेंड्स, ये हम 2.5x19 के क्विल्टेड पीस है, तो 19 इंच की जिप लेंगे। इसमें हम जिप को अटैच करेंगे दोनों पार्ट्स में। देखिए ऐसे में सेट करते हुए जिप को अटैच करना है। जिप को हमने देखिए अटैच कर दिया है और अब हम जिप को ओपन करके इसमें हम रनर्स डाल लेंगे। और अब हम 5.5 इंच की बेल्ट लेंगे और डी रिंग्स लेंगे। इसको हम फोल्ड करके सेंटर से कट कर लेंगे। एक बेल्ट को हम रिंग के साथ में देखिए जिप के ऊपर रखते हुए साइड से अटैच कर देंगे और दूसरी बेल्ट को रिंग के साथ में सेट करते हुए दूसरी साइड से जिप के ऊपर रखते हुए अटैच कर देंगे। दोनों साइडों से हमने देखिए स्टिच करके अटैच कर दिया बेल्ट को डी रिंग के साथ में। और अब देखिए इस साइड जो हमने सेंटर वाला मार्क किया था, सेंटर वाले पॉइंट पे हम जिप को देखिए ऐसे सेट करते हुए पिनअप करेंगे और ऐसी दूसरी साइड भी सेंटर वाले पॉइंट पे हम जिप को रखते हुए पिनअप कर लेंगे। और अब ये हम पाइपिंग लेंगे, पाइपिंग को साथ में लेते हुए दोनों साइडों से हम स्टिच कर लेंगे। क्विल्टेड पीसेस को हमने देखिए अटैच कर दिया है और अब देखिए इसको हम ऐसे सेट करेंगे और डबल फोल्ड करते हुए पाइपिंग को स्टिच करके लॉक करेंगे दोनों साइडों से। पाइपिंग को हमने देखिए स्टिच कर लिया है, इस साइड से भी स्टिच कर लिया है। और अब हम फ्रंट साइड में आएंगे और जिस साइड से हमने देखिए जिप अटैच की है उस साइड हम इस स्टिच लाइन से यहाँ पर 5 इंच पे डाउन करते हुए मार्क करेंगे। ऐसे हम सीधे मार्क कर लेंगे और ऐसे ही इस साइड भी हम मार्क करेंगे और ऐसे ही हम दूसरी साइड भी 5 इंच पे डाउन करते हुए मार्क कर लेंगे। और ये जो हमने मार्क किया है, मार्क वाली लाइन पे हम स्टिच करेंगे और एक्स्ट्रा पार्ट को हम कट कर लेंगे। ये देखिए स्टिच कर लिया है और अब हम एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर लेंगे। एक्स्ट्रा पार्ट्स को हमने कट कर लिया है और अब देखिए स्टिच लाइन को मिलाते हुए पिनअप करेंगे और इसमें हम सेंटर का मार्क कर लेंगे दोनों साइडों से। इसमें हमने सेंटर का मार्क कर लिया है और अब ये हम क्विल्टेड पीस वाला पार्ट लेंगे जिसको हमने रेडी किया था। तो इसमें हमने जो ये क्विल्टेड पीस अटैच किया है, इसको हम फ्रंट साइड में करेंगे और इसमें सेंटर वाले पॉइंट से मिलाते हुए पिनअप करेंगे। देखिए जिप वाला साइड इस साइड होगा और सेंटर वाले पॉइंट से मिलाते हुए पिनअप कर लेंगे और ऐसे दूसरी साइड में पहले हम क्विल्टेड पीस को देखिए ऐसे टर्न करेंगे और सेंटर वाले पॉइंट से मिलाते हुए पिनअप कर लेंगे और इसको हम राउंड में स्टिच करके अटैच कर देंगे। दोनों पार्ट्स को हमने देखिए अटैच कर दिया है। ये देखिए ऐसे हमने स्टिच करके इसमें अटैच किया है जिप वाले पार्ट को। और अब देखिए फ्रेंड्स, ये हम 10x15 का प्लेन पीस लेंगे और इसको हम 15 के साइड में फोल्ड करके सेंटर का मार्क करेंगे और प्लेन पीस को हम सेंटर वाले पॉइंट से मिलाते हुए इसमें सेट करेंगे। देखिए दोनों पार्ट्स को, ये जो क्विल्टेड पीस है इसको अंदर की साइड में टर्न करते हुए सेंटर वाले पॉइंट से मिलाते हुए पिनअप करेंगे दोनों साइडों से। इसको अंदर के साइड में सेट करते हुए हमें राउंड में स्टिच करके प्लेन पीस को क्विल्टेड पीस में अटैच करना है।
प्लेन पीस को हमने देखिए अटैच कर दिया इस पर, और अब जो ये कॉर्नर्स है कॉर्नर्स पे हल्का सा हम कट लगा लेंगे और इस साइड से हम इसको पलटकर राइट साइड में कर लेंगे। प्रिंटेड पीस को पलटकर हमने राइट साइड कर लिया है और अब ये जो पार्ट है ये देखिए ऐसे सेट हो जाएगा एक साइड में, और इसका जो दूसरा पार्ट है उसको हम दूसरी साइड में अटैच करेंगे। तो इसको हम अंदर की साइड में देखिए ऐसे सेट कर लेंगे। जो हमने दूसरा पार्ट रेडी किया था उसको हम दूसरी साइड में अटैच करेंगे। ये हम दूसरा पार्ट लेंगे प्रिंटेड पीस वाला, और इसको भी हम पहले बैक साइड में करेंगे और सेंटर वाले पॉइंट से मिलाते हुए इसमें हम पिनअप कर लेंगे। और दोनों पार्ट्स को सेट करते हुए हम राउंड में स्टिच करके अटैच कर देंगे। राउंड में स्टिच करके हमने देखिए अटैच कर दिया है, देखिए ऐसे हमारा सेट हो जाएगा इसमें। और अब ये हम 7x9.5 का प्लेन पीस लेंगे और ये हम 7.5 इंच की जिप लेंगे, और इसमें हमने दोनों साइडों से 2-2 इंच के फैब्रिक को लेते हुए जिप को लॉक किया है। तो इसमें हम जिप को अटैच करेंगे और अब देखिए हम बॉटम के साइड से 1.5 इंच पे डाउन करते हुए मार्क करके इसको हम कट कर लेंगे। और इस प्लेन पीस को हम जिप की दूसरी साइड में देखिए अटैच करेंगे और बैक साइड में करते हुए इसमें हम दाब सिलाई दे देंगे। प्लेन पीस को हमने देखिए अटैच कर दिया इसमें, और अब जो ये एक्स्ट्रा पार्ट है इसको हम कट कर लेंगे। और प्लेन पीस को फोल्ड करते हुए इसमें हम दोनों साइडों से सेंटर का मार्क कर लेंगे। इसमें हमने सेंटर का मार्क कर लिया है, और अब ये हम 10x15 का दूसरा प्लेन पीस लेंगे और इसमें भी हम 15 की साइड में सेंटर का मार्क करेंगे, और प्लेन पीस को हम सेंटर वाले पॉइंट से मिलाते हुए पिनअप कर लेंगे। और अब देखिए प्लेन पीस को हम फोल्ड करते हुए अटैच करेंगे, देखिए इस साइड भी थोड़ा फोल्ड करेंगे और ऐसे ही दूसरी साइड भी फोल्ड करते हुए प्लेन पीस को हम इसमें जिप वाले पार्ट को अटैच करेंगे। प्लेन पीस को हमें देखिए फोल्ड करते हुए अटैच किया है, पॉकेट हमारी रेडी हो गई है। देखिए ऐसे हमें फोल्ड करते हुए स्टिच करना है थ्री साइड से। और अब ये हम क्विल्टेड पीस वाला पार्ट लेंगे और इस साइड हम इस क्विल्टेड पीस को पहले अंदर की साइड में सेट करेंगे। देखिए ऐसे हम सेट कर लेंगे, तब प्लेन पीस को हम सेंटर वाले पॉइंट से मिलाते हुए पिनअप करेंगे। इसको भी हम राउंड में स्टिच करके अटैच करेंगे। तो पहले दोनों साइडों से पिनअप करेंगे और राउंड में स्टिच करके प्लेन पीस को हम क्विल्टेड पीस में अटैच करेंगे। राउंड में हमने देखिए अटैच कर दिया है क्विल्टेड पीस में प्लेन पीस को, और अब ये जो कॉर्नर्स है कॉर्नर्स पे कट लगाकर इसको हम पलट कर राइट साइड में कर लेंगे। क्विल्टेड पीस को पलट कर हमने राइट साइड कर लिया है। ये बैग देखिए ऐसे हमारा सेट होगा, इसको हम प्रेस कर लेंगे, ये दोनों पॉकेट्स दोनों साइडों से ऐसे रेडी हो जाएंगे। और अब देखिए ये जो फ्लैप में हमने मैग्नेट अटैच किया था इसमें हम पहले चौक लगा लेंगे और इसको फ्रंट साइड में ऐसे टर्न करते हुए इसमें हम मार्क करेंगे, और मैग्नेट का जो दूसरा पार्ट है उसको हम यहाँ पर होल्ड करते हुए अटैच करेंगे। दूसरा पार्ट लेंगे और इसमें हम अटैच करेंगे मैग्नेट को। मैग्नेट को हमने देखिए साइड से अटैच कर दिया है, और फ्लैप से देखिए ये पॉकेट्स ऐसे लॉक हो जाएंगे और ये बैग हमारा ऐसे रेडी हो जाएगा, ये देखिए। और अब हम पॉकेट्स को रेडी करेंगे। तो ये हम 15x22 का प्लेन पीस, 8x14 का प्लेन पीस और 7.5 इंच की जिप लेंगे। और इस प्लेन पीस में हम 8 की साइड में देखिए फोल्ड करके पहले सेंटर का मार्क करेंगे, और सेंटर वाले पॉइंट से हम 1/4 इंच पे डाउन करते हुए मार्क कर लेंगे। और अब देखिए सेंटर वाले पॉइंट से हम 3.5 इंच साइड से और साइड से दोनों साइडों से मार्क करते हुए ऐसे हम बॉक्स बनाएंगे। 7 इंच मार्क करना है और ऐसे हमें बॉक्स बनाना है। और अब इस प्लेन पीस को भी फोल्ड करके सेंटर का मार्क करेंगे। 15 की साइड में हमें सेंटर का मार्क करना है, और सेंटर वाले पॉइंट से हम 2 इंच पे डाउन करते हुए मार्क कर लेंगे। और इस प्लेन पीस को हम 2 इंच पे डाउन करते हुए सेंटर वाले पॉइंट से मिलाते हुए पिनअप करेंगे और बॉक्स के चारों साइडों से स्टिच करके अटैच करेंगे। देखिए हमने स्टिच कर लिया है, पिन को ओपन करते हुए सेंटर वाले मार्क पे हम इसको कट कर लेंगे। इसके बाद हम देखिए ऐसे कट करते हुए कॉर्नर से वी शेप में कट कर लेंगे, और प्लेन पीस को बैक साइड में करते हुए पिनअप कर लेंगे।
और अब ये हम जिप लेंगे, जिप को ऐसे रखेंगे और फ्रंट साइड में आएंगे और राउंड में स्टिच करके इसमें हम अटैच कर देंगे। जिप को हमने देखिए अटैच कर दिया है और प्लेन पीस को हम देखिए ऐसे टर्न करेंगे और थ्री साइड से स्टिच करके लॉक कर देंगे। प्लेन पीस को मैंने देखिए स्टिच कर लिया है, ये पॉकेट हमारी रेडी हो गई है। और अब ये हम 1.5 बाय 15 के क्वल्टेड पीसेस लेंगे, 4 क्वल्टेड पीसेस लेने हैं और हमें मेन फैब्रिक की ये पाइपिंग लेनी है। पाइपिंग को हम एक साइड से देखिए ऐसे सेट करते हुए अटैच करेंगे, देखिए स्टिच करके अटैच करेंगे और बैक साइड में करते हुए इसमें हम दाब सिलाई देते हुए चारों पार्ट्स को हम रेडी करेंगे। क्वल्टेड पीसेस में हमने देखिए एक साइड से पाइपिंग को स्टिच कर लिया है, ये देखिए ऐसे सेट करते हुए हमें सेट करते हुए पाइपिंग को अटैच करना है। और अब ये हम प्लेन पीस लेंगे, प्लेन पीस में हम जिप को अटैच करेंगे, तो 15 इंच की जिप लेंगे, 2 जिप लेनी है हमें। तो इसमें हम एक साइड से देखिए ऐसे रखेंगे, फ्रंट साइड अपर की साइड में होगा और क्वल्टेड पीस का राइट साइड अंदर की साइड में सेट करते हुए अटैच करेंगे और बैक साइड में करते हुए इसमें हम दाब सिलाएंगे। और ऐसे दूसरी जिप को हम दूसरे प्लेन पीस में 15x22 का दूसरा प्लेन पीस लेते हुए अटैच कर देंगे। ये देखिए जिप का राइट साइड अपर की साइड में रखते हुए हमें अटैच करना है क्वल्टेड पीस के साथ में, और बैक साइड में करते हुए इसमें हमें दाब सिलाई देते हुए स्टिच करना है। फोल्डेड पीस के साथ में हमने देखिए जिप को अटैच कर दिया प्लेन पीस में। और अब देखिए प्लेन पीस को देखिए ऐसे फोल्ड करेंगे और जिप के दूसरे साइड वाले पार्ट को इसमें सेट करेंगे और इसमें भी हम फोल्डेड पीस को लेते हुए अटैच करेंगे और बैक साइड में करते हुए दाब से लेते हुए स्टिच करेंगे। और ऐसे इसमें भी हम देखिए फोल्ड करते हुए जिप के दूसरे साइड वाले पार्ट पर हम फोल्डेड पीस को अटैच करेंगे। इस साइड भी हमने देखिए स्टिच कर लिया है, ये देखिए। और अब हम जिप को ओपन करके इसमें हम रनर डालेंगे और क्वल्टेड पीसेस को देखिए बराबर में सेट करते हुए पिन अप कर लेंगे। और इसको हम देखिए यहाँ से यहाँ तक स्टिच करके दोनों साइडों से स्टिच कर लेंगे। और देखिए दोनों साइडों से हमने स्टिच कर लिया है, ये देखिए। और अब देखिए ये जो प्लेन पीसेस इसको हम ऐसे डाउन करेंगे और ये जो कॉर्नर है कॉर्नर को हम ओपन करेंगे, स्टिच लाइन को देखिए ओपन कर लेंगे और इस साइड हाफ इंच पे देखिए दोनों साइडों से स्टिच करके लॉक कर देंगे। दोनों कॉर्नर्स पे हमने देखिए स्टिच कर लिया है, ये देखिए ऐसे सेट करते हुए स्टिच करना है। और अब जो ये एक्स्ट्रा पार्ट है इसको हम कट कर लेंगे, जिप का एक्स्ट्रा पार्ट है इसको कट करना है। और अब देखिए ये हम क्वल्टेड पीस वाला पार्ट लेंगे और इसको हम फ्लैप को ओपन करेंगे और दोनों साइडों में हमें पॉकेट्स को अटैच करना है। तो जिस साइड हमने इनर पॉकेट स्टिच की जिस पार्ट में, उस पार्ट को हम फ्लैप वाली साइड में अटैच करेंगे। देखिए इसको हम अंदर की साइड में सेट करते हुए स्टिच लाइन पर देखिए ऐसे मिलाते हुए पिनअप कर लेंगे और इसको हम राउंड में स्टिच करके अटैच करेंगे। और ऐसे ही दूसरी पॉकेट को हम दूसरे साइड में स्टिच करके अटैच करेंगे। दोनों पार्ट्स को लेते हुए धीरे धीरे स्टिच करके आप दोनों साइडों से पॉकेट्स को अटैच कर दीजिए। दोनों साइडों से हमने देखिए पॉकेट्स को अटैच कर दिया इसमें, ये देखिए ऐसे सेट हो जाएंगे और इसको हम जिप से लॉक करेंगे। और ऐसे इस साइड पे देखिए पॉकेट रेडी हो गई है, इसको हम जिप से लॉक करेंगे और फ्लैप से इस पॉकेट को देखिए ऐसे सेट कर लेंगे। और अब देखिए फ्रेंड्स, ये हम 60 इंच की बेल्ट लेंगे और एडजस्टर लेंगे। एडजस्टर में पहले हम बेल्ट को सेट करेंगे और इस साइड से बेल्ट को फोल्ड करते हुए ऐसे हम स्टिच करके लॉक कर देंगे। बेल्ट को हमने देखिए स्टिच कर लिया है और अब हम इसका जो दूसरा साइड वाला पार्ट है उसको हम डी रिंग में देखिए ऐसे अंदर की साइड में करते हुए एडजस्टर में हम सेट कर लेंगे इसको। और इसके दूसरे साइड वाले पार्ट को हम दूसरी डी रिंग में अंदर की साइड में करते हुए इसको भी हम फोल्ड करते हुए स्टिच कर लेंगे। बेल्ट को हमने देखिए स्टिच कर लिया है और अब हमारा ये डिज़ाइनर हैंडबैग बनके रेडी हो गया है। देखिए फ्रंट साइड में 1 जिपर पॉकेट है और ऐसे ही बैक साइड में भी जिपर पॉकेट है और फ्लैप से ओपन करेंगे तो सेंटर में देखिए ये हमारी बड़ी पॉकेट है, इसमें हमारी 1 इनर पॉकेट भी अंदर की साइड में,
जिप से इसको हम लॉक करेंगे और दोनों साइडों में भी जिपर पॉकेट्स हैं। इसको हम देखिए ओपन करेंगे, देखिए काफ़ी स्पेस है, सारी पॉकेट्स में देखिए काफ़ी स्पेस है अंदर की साइड में। इसको हम जिप से लॉक करेंगे और ऐसे इसमें भी उतनी ही स्पेस है। ये देखिए बहुत ही कंफर्टेबल बैग है और बहुत ही यूजफुल बैग है फ्रेंड्स। सारी पॉकेट्स को आप इस फ्लैप से यहाँ से ऐसे सेट कर लीजिए। और ये देखिए साइड से बैग ये ऐसा है, बॉटम की साइड से और इस साइड से। ये हमारी वाटर बॉटल की पॉकेट है, इसको हम ओपन करेंगे और इसमें आपकी 1 लीटर की वाटर बॉटल सेट हो जाएगी। इसको हम जिप से लॉक कर देंगे और इस बैग को आप देखिए ये जो हैंडल्स है, इस हैंडल से शोल्डर से कैरी कर सकती हैं और इसको आप दूसरे हैंडल से क्रॉस करके कैरी कर सकती हैं एडजस्ट करते हुए। और ऐसे ही हमने देखिए और भी बैग्स रेडी किए हैं, देखिए सेम इसी मेजरमेंट से हमने ये भी बैग्स रेडी किए हैं। फ्रेंड्स ये बैग बहुत ही यूजफुल है और बहुत ही कंफर्टेबल बैग है। इस बैग को स्टिच करके आप ट्रेवलिंग में भी यूज़ कर सकती हैं और बेबी के लिए भी आप इस बैग को यूज़ कर सकती हैं। फ्रेंड्स अगर आपको ये हमारा डिज़ाइनर हैंड बैग या शोल्डर बैग पसंद आया हो तो फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, बाय बाय।